जहाँ मदर्स अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनाती हैं, वहाँ उनका ये भी दिल करता है कि वो अपनी प्यारी नन्ही नन्ही परियों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनाए। आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी नन्ही परियों के लिए क्रोशिया के बने हुए बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक, जो कि आपकी नन्ही परियां जब पहनेगी तो बिल्कुल परियों की तरह लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ हमेशा अपने घर में आबाद रखे और दीनी दुनियावी मामलात में अल्लाह पाक सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो आज आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब ने मेरी तमाम वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। जब मैं आपके बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स रीड करती हूँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल भी चाहता है कि आपके साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर किए जाए। तो साथ साथ आपके साथ बातें भी होंगी और साथ साथ आप फ्रॉक की डिज़ाइनिंग भी देखते जाएं, जो डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगे, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा लगे, तो बेस्ट में ये होता है कि आप उस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो वॉच ना करें, वीडियो आप 10 दफ़ा वॉच करें, लेकिन ये होता है कि स्क्रीनशॉट का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप मार्केट जाएंगी कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपने जब थ्रेड परचेज करना है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मेरा मकसद ये होता है कि आपके लिए जितनी भी आसानी पैदा कर सकती हूँ मैं करूँ, आपके साथ जितने भी आइडियाज़ मैं शेयर कर सकती हूँ मैं आपके साथ करूँ, ताकि आपकी लाइफ में आसानी पैदा हो। क्योंकि जब आप वीडियो ही वहाँ पर जाके तो ओपन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब स्क्रीनशॉट आपके पास होता है तो आपका काम ये ज़्यादा आसान होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो अपनी सिस्टर अपनी कज़न के साथ उनको ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया होता है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का काम आसान हो सकता हो, इसीलिए मैं अपनी इन वीडियोज़ में आपके साथ जो छोटे छोटे से बाकी भी आइडियाज़ होते हैं वो साथ साथ शेयर करती जाती हूँ, हो सकता है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में आसानी हो सके। तो आप जानते हैं कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में पैटर्न भी और ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको उसके लिए भी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। तो चलें जी, अब देखते हैं कि विंटर में हमें कौन से वाला थ्रेड यूज़ करना चाहिए। तो अब विंटर में आपको ये वूल मार्केट से बहुत ईजीली मिल जाती है, हर कलर इसमें मिल जाता है। तो विंटर में तो आपको इसी के साथ क्रोशिया से अपनी छोटी नन्ही परियों के लिए फ्रॉक बनानी चाहिए। वूल में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप वहाँ से अपनी पसंद की अपनी चॉइस के मुताबिक वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लिटर वाली भी होती है, इसके अलावा आपको वेलवेट वाली वूल भी मिल जाती है, तो ये इससे भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप देख रहे हैं कि शेड्स वाली वूल भी है, मल्टी कलर्स में भी वूल मिल जाती है। तो मेरा मकसद देखिए आपके साथ यही चीज़ें शेयर करना होता है कि सम टाइम हो सकता है कि किसी को इन चीज़ों के बारे में आइडिया ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी थ्रेड है, तो आप अगर समर के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वाला थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर के लिए वो बेहतर रहती है और समर के लिए ये वाला थ्रेड बेहतर रहता है। तो अगर आप नन्ही परियों के लिए अभी ही फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला बेहतर रहेगा थ्रेड, क्योंकि अभी सर्दी नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। लेकिन अगर आपने विंटर के लिए बनानी है तो फिर आपके लिए वूल बेहतर रहेगी। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कलर इस वीडियो में मैंने ऐड किया है, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत ही आला किस्म की डिज़ाइनिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको कॉपी ज़रूर करेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग जो होती है ना वो बहुत कम मिलती है, और ये बहुत यूनिक डिज़ाइनिंग है। कलर्स भी इसमें आप जो कलर चाहेंगे आपको इस वीडियो में मिलेगा। ग्रीन अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्रीन के साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, अगर येलो अच्छा लगता है तो इसके साथ भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से मैच किए गए हैं, आपके लिए बहुत सारी आसानी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको ग्रीन वाइट अच्छा लगता है, फिरोजी अच्छा लगता है, तो ये सारे कलर इस वीडियो में आपको आसानी मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में हर कलर को ऐड करूँ, क्योंकि इससे ये आपको बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास उस कलर का कोई ड्रेस है तो आपके लिए कलर की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, आपके लिए डिज़ाइनिंग इजी हो जाएगी, आपके लिए थ्रेड के जो सिलेक्शन है वो इजी हो सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर कलर आपके साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो में भी आपको मेरे ख्याल में हर तरह का कलर नज़र आ रहा होगा, और डिज़ाइनिंग तो माशाल्लाह माशाल्लाह एक से बढ़ के एक नज़र आ रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पहले की तरह अच्छी लगेगी।
तो इसके साथ साथ एक आइडिया आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि क्रोशिया के साथ साथ आप इस फ्रॉक में फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक भी इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत डिफरेंट स्टाइल आएगा। ये ज़रूरी तो नहीं होता ना कि फुल फ्रॉक जो है वो क्रोशिया की हो। इसमें आप कोई फैब्रिक जो बहुत अच्छा लग सकता हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके बहुत सारे फ्लावर्स क्रोशिया के अलावा भी आप एम्ब्रॉयडरी भी इसके ऊपर फिर कर सकते हैं। तो हर तरह की चीज़ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि हो सकता है कोई भी आइडिया किसी को भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। माशाल्लाह से ये फ्रॉक भी देखें कि बहुत ही खूबसूरत है। विंटर में साथ आप उनको बच्चियों को हाई नेक भी पहना सकते हैं। हाई नेक के साथ ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है। अगर आप फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी, और अगर हाफ़ रख के तो आप उनको हाई नेक के साथ पहनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप अपनी नन्ही परियों के लिए इस तरह की फ़्रॉक बनाएंगी तो नन्ही परियां तो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लगेंगी, और हर कोई आपसे ये तो ज़रूर पूछेगा कि ये डिज़ाइनिंग आपने कहाँ से ली है। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप दीजिएगा मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।